हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम डाटा वैलिडेशन और रिमूव डुप्लीकेट का यूज करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बनते हैं। चलिए गाइस, अब हम समझते हैं डाटा वैलिडेशन। ये डाटा वैलिडेशन, ये इसका यूज हम एक रेंज सेट करने में करते हैं। रेंज कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा ये नेम है, नेम हमारा 5 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, ज्यादा लंबा नाम भी ना हो। डेट जैसे हमने लिख दिया कि 1950 से हमें 2025 तक का ही डेट लेना है या 2022 तक का ही हमें डेट रखना है, तो हम यहाँ पे वो एक रेंज सेट करते हैं। मोबाइल नंबर जैसे हमारा 10 डिजिट का होता है, तो हमें उसको इक्वल में लेके चलना है कि वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही यहाँ पे सेट हो, तो उसका एक रेंज हमें सेट करना होता है। यहाँ मान लीजिए सिटी, तो सिटी में हम जो सो सिटी हम चाहते हैं वही सिटी वहां पर ऐड हो, उसके अतिरिक्त अलग से वो सिटी ऐड ना हो, तो उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। मान लीजिए सैलरी हमने दे दिया 5 से 10 हजार के बीच में, 10 से 20 हजार के बीच में, 20 से 40 हजार के बीच में ही हमारा सैलरी वहाँ पे ऐड हो और उसके बाद का सैलरी ऐड ना हो, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक रेंज सेट करते हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। जैसे चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और इसे आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। मान लीजिए हम ये नेम लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप नेम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम चाहते हैं कि 5 से 10 के बीच का ही कैरेक्टर नेम में आए, उससे कम का कैरेक्टर हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, चैटिंग आता है, इनपुट मैसेज आता है, एरर अलर्ट आता है, यहाँ पे हमें एनी वैल्यू में, यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेंथ को लेना है और टेक्स्ट लेंथ को लेने के बाद हम यहाँ पे बिटवीन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 5 से 10 के बीच ही एक रेंज सेट करना है यहाँ पे कि हमारा 5 से 10 के बीच का ही कैरेक्टर यहाँ पे आए, उससे ज्यादा हमारा नेम कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, हमें ज्यादा लंबा नाम यहाँ पे नहीं देना है। क्लियर गाइस? तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 5 और यहाँ पर 10 दे दिए और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम 5 से ना कम होगा यहाँ पे ऐड, ना 10 से ज्यादा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया राम। अब देखिए हम ये इसको सेट ले करता है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं राम को नहीं ले रहा है, राजू चूंकि 4 कैरेक्टर है इसलिए इसको नहीं ले रहा है, इस प्रकार से वो शो करेगा और मैटर को हमारा यहाँ पे नहीं लेगा। इसके जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं राजकुमार। आप देख सकते हैं चूंकि ये 5 से अधिक है और 10 से कम है तो यहाँ पे वो ले लिया। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोहन कुमार गुप्ता, मैंने इतना लंबा नाम ले लिया। अब देखिए इसे लेता है कि नहीं, आप देख सकते हैं वो इसे भी नहीं ले रहा है। इसके जगह अगर मैं मोहन कुमार लिख दूं तो
चूंकि मोहन कुमार साथ साथ लिखा है और वो 10 डिजिट के अंदर में आता है, इसलिए वो उसे ले लेगा। चूंकि हमने इसे यहाँ पे जोड़कर लिखा है और 10 डिजिट में लिखा है, इसलिए वो इसे ले लेगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा हो गया नेम का। अब इसके बाद मान लीजिए हम डेट में आते हैं, तो इसका भी हम एक रेंज सेट करेंगे। क्लियर गाइस? चलिए मैं आपको बताता हूं इसे हम डेट में कैसे रेंज सेट करते हैं। आप सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाइए। यहां पे आपको डेट सेलेक्ट करना है बिटवीन, क्लियर। और यहां पे हमें स्टार्ट डेट में मान लीजिए मैं 1950 से 2025 का ही रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, 2025 तक का ही इसे सेट करना चाहता हूं, तो हम यहां पे इसे ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1950 से 2025 तक का सेट किया है। हम इसे अब करके देखें। मैंने यहां पे लिखा 1920, लेता है कि नहीं? आप देख रहे हैं यहां पे इसे नहीं ले रहे। इसके जगह आप 1950 ले लिया, 1970 ले लिया, 2025 ले लिया, 2022 ले लिया और 2027 नहीं लिया। क्लियर गाइस? तो ये 2025 तक का इसका रेंज था, जो 1950 से 2025 तक का, वो वहां तक के ही सेट करता है, उसके अतिरिक्त का नहीं लेता। क्लियर गाइस? चलिए अब इसके बाद में हम मोबाइल नंबर में जाते हैं। मोबाइल नंबर को देखिए, हम सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसका भी हम ठीक वैसा ही रेंज सेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम एनी वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ में देते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे बिटवीन नहीं रखना है, क्योंकि टेलीफोन नंबर 10 डिजिट का ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू। क्लियर? यहाँ पे हमें इक्वल टू रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि हमारा 10 डिजिट ही होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे। ध्यान रहे आपका ये टेक्स्ट लेंथ में होना चाहिए, इक्वल टू में होना चाहिए और लेंथ उसका 10 डिजिट ही होना चाहिए मोबाइल नंबर का। यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके कर लेने के बाद में आप यहाँ पर मान लीजिए हम दे देते हैं कोई नंबर, ये 10 डिजिट है, इसे ले लिया। मैंने 8 डिजिट डाल दिया तो इसे नहीं ले रहा है 8 डिजिट को। मान लीजिए मैं 11 डिजिट ले लूं, इसे भी नहीं लेगा, ये केवल 10 डिजिट को ही लेगा। आप देख सकते हैं ना, उससे एक कम डिजिट लेगा ना उससे एक अधिक डिजिट लेगा, ओनली 10 डिजिट को ही लेगा। क्लियर गाइस? देखेंगे तो आप ये 10 डिजिट होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि मोबाइल नंबर में हम कैसे रेंज को सेट करते हैं डाटा वैलिडेशन में।
चलिए अब इसके बाद में आपको सिटी को हम कैसे रैंक में एक सेट करते हैं डाटा वैलिडेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर जिस जिस सिटी को यहाँ पर रखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में, उस सिटी का नाम आप कॉमा के साथ लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर सिटी का नाम लिखता हूँ, कॉमा, 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 इस प्रकार मैंने सिटी का नाम को यहां पर लिख दिया है कॉमा के साथ में। अब यहां पे आपको ओके कर लेना है। आप देखेंगे कि यहां पे एक लिस्ट हमारा तैयार हो चुका है। आप नेक्स्ट लाइन से यहां पर जो भी सिटी लेना चाहते हैं आप यहां पे किनारे पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको वहां पे उस सिटी को आप यहां पर से सेट कर सकते हैं। क्लियर गाइस, तो इस प्रकार हम सिटी में डाटा वैलिडेशन में एक रेंज सेट इस तरह से करते हैं। क्लियर गाइस, चलिए तो मैं आपको अब इसके बाद सैलरी को हम कैसे एक रेंज में सेट करते हैं वो बताता हूं। इसके लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लेने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहां पे आपको गोल नंबर और यहां पे आपको मैक्सिमम 5,000 से मिनिमम से 10,000 मैक्सिमम यहां पे आप ओके कर देंगे। यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे 5,000 10,000 3,000। देखिए यहां पे मैंने 5,000 से 10,000 के बीच में एक रेंज सेट किया था, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैंने यहाँ पे 3,000 ऐड किया, 3,000 को वो नहीं ले रहा, 5,000 से 10,000 के बीच में ही वो सेट करेगा। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे हम अगर 7,000 लिखते हैं तो उसे सेट कर लेंगे। क्लियर गाइस, तो इस प्रकार हम डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, इसके लिए हम यहां पे कुछ टाइप कर लेते हैं, राजू, मोहन, सीता, मीता, राजू, इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूंकि रिमूव डुप्लीकेट में ये क्या करता है, जो भी चीज हमारा डुप्लीकेट होता है उसे रिमूव कर देता है।
हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको ओके करना है। यहाँ पे बोल रहा है वन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, ओके कर लेंगे। देखिए आपका एक राजू यहाँ पर से लिस्ट से हट चुका है। इस प्रकार ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। क्लियर गाइस? उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।